आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, भारी धातु क्या है? जीवों के लिए आवश्यक भारी धातुओं और अविषालु भारी धातुओं में से प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। भारी धातुओं के दो प्राकृतिक स्रोत बताइए। भारी धातुएं कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचती हैं? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारी धातु क्या है। ठीक है, तो भारी धातु क्या होती हैं? तो भारी धातु दोस्तों, ये ऐसी धातु हैं जिनका घनत्व 5 से अधिक हो तथा जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो 20 से अधिक होता है। अब ये 20 से अधिक होने वाली कई सारी धातुएं हैं, परंतु इनमें हमें कौन सी धातु नहीं लेनी है? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु और जितने भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं, इनको छोड़कर जितनी भी धातु ऐसी हैं जिनका कि परमाणु क्रमांक 20 से अधिक है और घनत्व 5 से अधिक हो, ये सभी क्या होती हैं? भारी धातुओं की श्रेणी में आती हैं ये सभी धातुएं। ठीक है, और वे सभी भारी धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मरकरी, आर्सेनिक, HgAs, आर्सेनिक और जेडन, जिंक और कैडमियम आदि, ये सभी क्या हैं? भारी धातुएं हैं। अब इसके बाद हमसे प्रश्न कह रहा है कि जीवों के लिए आवश्यक भारी धातु, तो दोस्तों जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, उसके लिए कुछ भारी धातुएं जो हैं अति सूक्ष्म मात्रा में अगर हमारे शरीर में जाती रहेंगी तो वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। जैसे कि क्रोमियम है आयरन है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा, हम लोग जो सिल्वर होता है, सिल्वर धातु है, उसकी पतली पतली परतों को आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों पे सजावट के तौर पे लगा देते हैं और उसको आप खा भी लेते हैं। तो यानी ये जो भारी धातुएं हैं इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा अगर आपके शरीर में जाती रहेगी तो ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जीव जंतु के लिए भी लाभकारी होते हैं। अब दोस्तों अविषालु भारी धातु, कुछ भारी धातु जो होती हैं जो कि अविषालु किस होती हैं, इनमें मुख्य हैं जैसे कि क्रोमियम और कॉपर, ये दो अविषालु भारू धातु होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें प्रश्न में कह रहा है कि भारी धातुओं के दो प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो दोस्तों दो भारी धातुओं के दो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारे लावा निकलता है, साथ ही साथ पृथ्वी में जो भी हमारे खनिज होते हैं वो भी लावा के साथ बाहर निकलते हैं। तो जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है उसमें बहुत अधिक मात्रा में भारी धातु पाए जाते हैं और ये पिघले लावा के साथ दोस्तों पिघली हुई अवस्था में आते हैं, और कुछ भारी धातु गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं जो कि गैसीय अवस्था में वायुमंडल में मिल जाते हैं ज्वालामुखी से के फटने पर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया ज्वालामुखी से निकलता लावा। इसके अलावा पृथ्वी पे पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की जो ऊपरी परत होती है, चट्टाने जो हैं इनमें क्या होता है, अयस्क के रूप में दोस्तों ये जो भारी धातुएं होती है पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर है, उसका मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर पाइराइट। ऐसी जिंक है, जिंक भी दोस्तों अपने अयस्क के रूप में जो पृथ्वी में पाई जाने वाली चट्टाने हैं उनकी भूपर्टी अर्थात उनमें जो मृदा है, चट्टानों की मृदा, उसमें पाई जाती हैं ये। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गए भारी धातुओं के दो मुख्य प्राकृतिक स्रोत। अब इसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है कि भारी धातुएं कैसे परिस्थितिकी तंत्र में पहुंचती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, आजकल जो उद्योग धंधे हैं जैसे स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में भारी धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, कैडमियम है, मरकरी है। ठीक है, इन ये जो भारी धातुएं इनका प्रयोग इस प्रकार के इंडस्ट्रीज में किया जाता है, और इस जब ये जो भारी धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो इनमें से कुछ धातु ऐसी होती है जिसका कि प्रयोग आप पूरी तरीके से धातु का प्रयोग आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे अवशेष धातु बची रह जाती है जिसका आप कहीं पे भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अनुपयोगी भारी धातु है ये एक प्रकार से औद्योगिक कचरा बन गया। अब ये जो औद्योगिक कचरा है इसका निपटारा नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बहुत अधिक खर्चा आता है। तो क्या करते हैं ये जो कारखाने वाले होते हैं, ये क्या करेंगे, ये जो औद्योगिक कचरा है इसको समुद्र में बहा देते हैं, समुद्र के पानी में फेंक देते हैं, या फिर बंजर भूमि है उस पर ऐसे ही इधर उधर फेंक दिया। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार जो हमारी भारी धातुएं ये वायु जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पहुँचती रहती हैं, और ये बहुत बहुत ही हानिकारक होती हैं, जैसे कि मरकरी, ये हानिकारक भारी धातु है।
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हानिकारक भारी धातु भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मिलती रहती हैं। इसके अलावा जैसे ज्वालामुखी कहीं फट गया अचानक से, वैसे तो अधिकांशतः ये होता नहीं है परंतु ये एक प्राकृतिक कारण है। तो ज्वालामुखी जो फटता है तो गैसीय अवस्था में भी भारी धातु उससे निकलती हैं। तो जो गैसीय अवस्था में भारी धातु हैं वो वायुमंडल में मिल जाती हैं। तो ये भी दोस्तों एक इस प्रकार से भी पारिस्थितिकी तंत्र में भारी धातु मिलती रहती हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।